हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सम्राज्ञी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द CSIR नेट सॉल्यूशंस। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, तो चलिए आज का जो प्रॉब्लम है, दिस क्वेश्चन एक्चुअली केम इन पार्ट बी 2019 दिसंबर। ओके, 2019 दिसंबर, बहुत आसान क्वेश्चन था। पार्ट बी पे आपको पता ही है 3 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है। ओके, टी ऑफ जेड इक्वल्स टू टी ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई वाई एक्स। ओके, तो इस ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन था टी ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल्स टू टी ऑफ जेड वन इंटू टी ऑफ जेड टू फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। ओके, अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फॉल्स क्या है वो ढूंढना है। ओके, ना कि ट्रू क्या है। टी ऑफ जेड वन इंटू टी ऑफ जेड टू, टी ऑफ जेड वन जेड टू, तो चलिए पहले पकड़ लेते हैं जेड वन क्या होगा, जेड टू क्या होगा। तो देखिए, पुट जेड वन इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आई वाई वन, सिंपल। ओके, जेड टू इक्वल्स टू एक्स टू प्लस आई वाई टू। कैलकुलेशन मैं थोड़ा शॉर्ट पे करूंगी, आप लोग डिटेल पे कर लेना। ओके, नाउ टी ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, बताइए टी ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का जो वैल्यू है ना वो क्या होगा? कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा डिटेल पे करेंगे और मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट पे डिस्कस करूँगी। ओके, टी ऑफ जेड वन जेड टू, तो देखिए एक्स वन प्लस आई वाई वन एक्स टू प्लस आई वाई टू, मतलब एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आई एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन। ओके, सो टी ऑफ जेड वन जेड टू, एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आई एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन। ओके, इक्वल्स टू टी ऑफ जेड वन इंटू टी ऑफ जेड टू, एक्स वन वाई वन माइनस वाई वन एक्स वन, एक्स टू वाई टू माइनस वाई टू एक्स टू। अब देखिए, प्रोडक्ट कीजिए इनका। एक्चुअली मैं पहले ये करने की कोशिश कर रही हूँ कि टी ऑफ जेड वन जेड टू का वैल्यू ये है। ओके, और यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ही कर लेती हूँ। पहले इसका वैल्यू निकाल लेती हूँ, फिर राइट हैंड साइड का वैल्यू निकालूंगी। ओके, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करना होगा, एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पर देखिए ए एक्स होगा राइट, और ए वाई होगा। ओके, तो हमें वैल्यू पुट करना होगा, दिस इज एक्स दिस इज वाई, सो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू। ओके, एंड दिस इज माइनस वाई, मतलब माइनस एक्स वन वाई टू माइनस एक्स टू वाई वन। ओके, दिस इज वाई, मतलब एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन। ओके, एंड दिस इज एक्स, मतलब एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, नाउ हमें क्या करना होगा, नाउ हमें राइट हैंड साइड का वैल्यूज भी निकालना होगा। व्हाट इज राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड इज टी ऑफ जेड वन इंटू टी ऑफ जेड टू। अब देखिए टी ऑफ जेड वन का वैल्यू क्या होगा, एक्स वन प्लस आई वाई वन, चलिए एक बार मैं कर देती हूँ, एक्स वन माइनस वाई वन वाई वन एक्स वन इंटू टी ऑफ जेड टू, मतलब एक्स टू माइनस वाई टू वाई टू एक्स टू। अब आप दोनों आप लोग मल्टीप्लीकेशन कीजिए इनका। ओके, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखेंगे दिस वैल्यू इज सेम। यहीं पर देखिए ना, एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, यहाँ पर देखिए दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू। ओके, सो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाई दैट दिस स्टेटमेंट टी ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल्स टू टी ऑफ जेड वन इंटू टी ऑफ जेड टू, दिस इज ट्रू। ओके, ये जो मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स का, सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो कि आप लोगों ने BSc फर्स्ट ईयर पे किया है, तो वो कर लेना। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और हमें कहा है व्हाट इज द फॉल्स, सो डेफिनेटली दिस विल नॉट हैपन राइट। नाउ केम टू द सेकेंड सॉल्यूशन।
सेकेंड ऑप्शन पे क्या कहा है, सेकेंड ऑप्शन पे इन्होंने कहा है टी ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल्स टू जीरो, नहीं टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल्स टू जीरो। तो बताइए टी ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो, ओके टी ऑफ जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ, टी ऑफ जेड सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल्स टू जीरो। पहले तो देखते हैं कि टी ऑफ जेड सिंगुलर कब होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ टी ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो, राइट, टी ऑफ जेड सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ टी ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ टी ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑब्वियसली पॉजिटिव, वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि x प्लस आई वाई पे x तो रियल नंबर होता है ना और y भी रियल नंबर होता है, अब दो रियल नंबर का स्क्वायर का जीरो तो तभी जीरो होगा ना जब x और y जीरो होगा, है ना, हाँ तो दिस इक्वल्स टू जीरो, सिंपल सेट क्वेश्चन है। तो t ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू जीरो y इक्वल्स टू जीरो, मतलब देखिए t ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू जीरो तभी होगा जब x इक्वल्स टू जीरो y इक्वल्स टू जीरो, ऑन और ऑल्टरनेटिवली इफ जेड इक्वल्स टू जीरो दैट इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू जीरो वाई इक्वल्स टू जीरो, दैट इम्प्लाई डिटर्मिनेंट इज ओको इक्वल्स टू जीरो एंड दैट इम्प्लाई टी ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंपल, ओके। नाउ थर्ड, चलिए अब थर्ड सॉल्व करते हैं हम लोग, थर्ड पे क्या है, ओ मुझे तो ये पूछना नहीं चाहिए था, टी ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई वाई एक्स, यही था ना, हाँ। थर्ड पे क्या है, थर्ड पे है देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो ए सच दैट टी ऑफ जे इंटू ए इज जीरो, ओके मतलब ऐसा कोई ट्रेस ऑफ टी ऑफ जेड इंटू ए इक्वल्स टू जीरो होगा तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब ट्रेस ऑफ जेड इंटू ए तभी जीरो होगा जब ए इक्वल्स टू जीरो होगा अकॉर्डिंग टू देम। तो चलिए देखिए अगर ऐसा कुछ है ना तो आप ए इक्वल्स टू ए बी सी डी ले लीजिए, आइडिया ऐसा है ए को कोई भी एक मैट्रिक्स पुट कर लीजिए, ओके ए बी सी डी वेयर ए बी सी डी इज आर्बिट्री रियल नंबर। नाउ टी ऑफ जेड के साथ ए की आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रेस को देखिए, अगर कंडीशन ऐसा है कि ए को जीरो ही होना होगा ट्रेस ऑफ टी ऑफ जेड इंटू ए इक्वल्स टू जीरो होने के लिए, तो येस वट एवर दे हैव सेड आर ट्रू एंड अगर नहीं है तो येस दे हैव सेड फॉल्स, ओके। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस वाई वाई एक्स ए बी सी डी, देखिए कितना आसान है, हाँ एक ए एक्स माइनस वाई सी, मैं ट्रेस ले रही हूँ तो मैं ए करूँगी और ए वाला करूँगी, बाकियों का तो ज़रूरत ही नहीं है, बी वाई प्लस एक्स डी। अब हमें दिखाना होगा ट्रेस जीरो होगा तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं, ट्रेस जीरो होगा मतलब दिस प्लस दिस इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स ए प्लस डी प्लस वाई बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए मतलब इसको जीरो होने के लिए क्या ए बी सी डी को जीरो होना ज़रूरी है, नहीं, अगर यहाँ पर ए वैल्यू जीरो हो जाए मतलब बी इक्वल्स टू सी, सो ए वाई इंटू जीरो एंड अगर ए वैल्यू भी जीरो हो जाए ए इक्वल्स टू माइनस डी तभी तो ट्रेस जीरो हो सकता है ना, क्योंकि हमें तो कंडीशन मिल गया। अब अगर हम कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लीजिए जहाँ पर दिस कंडीशन सेटिस्फाइज ए इक्वल्स टू माइनस डी मतलब वन माइनस वन एंड दिस कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई बी इक्वल्स टू सी मतलब जीरो जीरो, तो इस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई कीजिए एंड आपको जो आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए, मैंने यहाँ पर कंडीशन ले लिया और कंडीशन पुट करके मैंने दिखा कि ये मैट्रिक्स आया, अब आप लोग मुझे बताइए कि अगर इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। पहले तो बात ये है कि आप खुद ट्राई कीजिए, इस मैट्रिक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस मैट्रिक्स को पुट करके इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा ट्रेस जीरो आएगा क्योंकि कंडीशन तो हमें यहीं से मिला। सो इन्होंने जो कहा था दैट ट्रेस ऑफ टी ऑब्जेक्ट ए इक्वल्स टू जीरो ओनली व्हेन ए इज जीरो मैट्रिक्स दैट इज नॉट ट्रू, सो दिस इज द फॉल्स ऑप्शन, एज दिस क्वेश्चन केम इन पार्ट बी ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट एंड डी पे जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी ईजी है, वो देख लेना, वो इस टाइप का है कि टी ऑफ जेड वन प्लस जेड टू इक्वल्स टू टी ऑफ जेड वन प्लस टी ऑफ जेड टू,
तो वो तो होगा ही, वहां पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. मतलब फॉल्स पूछा था तो हमने ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा. अगर ट्रू कहते तो नहीं होता, लेकिन इन्होंने तो कहा कौन सा ऑप्शन फॉल्स है. ओके अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर एक ही टॉपिक बेस्ड है, कुछ कुछ अलग सी टॉपिक पे भी होता है. ओके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आइडेंटिटी थ्योरम के ऊपर मिल जाएगा, कुछ कॉची इंटीग्रेशन फार्मूलास के ऊपर मिल जाएगा, और कुछ बेसिक सा है. जैसे कि ये जो प्रॉब्लम मैं करवाने वाली हूँ यहाँ पर तो कोई ऐसा थ्योरम की ज़रूरत ही नहीं है. ये क्वेश्चन ऐसे तो आई थी पार्ट सी पे. हाँ पार्ट सी 2019 जून आई थिंक, हाँ 19 जून पे आया था. 4.75 पे देखिए कितने इजी क्वेश्चन है. कॉन्सिडर द सेट कैपिटल एफ इक्वल्स टू एफ सच दैट सी टू सी. ओके एफ इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट मॉड ऑफ एफ डैश जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी. फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी देन विच इज ट्रू. ओके ऑप्शन वन कैपिटल एफ फाइनाइट, ऑप्शन बी कैपिटल एफ इनफाइनाइट, थ्री कैपिटल एफ इक्वल्स टू बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड सच दैट बीटा बिलोंग्स टू सी अल्फा बिलोंग्स टू सी, एंड फोर कैपिटल एफ इक्वल्स टू बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड सच दैट बीटा बिलोंग्स टू सी मॉड ऑफ अल्फा लेस देन वन. सो दिस क्वेश्चन केम इन 2019 जून. यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एफ ऑफ जेड एंटायर, जो मैंने नहीं लिखा, आप लोग याद रखिए. तो बताइए क्या होगा. देखिए फंक्शन को बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड देने का कुछ तो वजह होगा. क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा दिया. जब भी कोई इस टाइप्स की प्रॉब्लम दे तो आपका काम होगा पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना. मैं आपको बता रही हूँ वे क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं आपको दे दूंगी लेकिन एग्जाम पे तो ऐसा नहीं है ना, जो मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी वही आएगा. तो व्हाट इज़ द वे ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हर एक ऑप्शन को बारीकी से देखिए, चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन के बाद थर्ड ऑप्शन पर ही कोई हिंट्स लिखवाया होता है. ओके हिंट्स छुपा होता है, जो हिंट्स आपको यहाँ पर मिलेगा. बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड ऐसा होगा क्या ये फंक्शन. मतलब इस टाइप्स की फंक्शन जो एंटायर भी होगा एंड मॉड ऑफ एफ डैश जेड लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, इस टाइप्स की फंक्शन कितना होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट. चलिए एक इस टाइप्स की फंक्शंस बताती हूँ. एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ डैश जेड ओके आर ई टू द पावर जेड सच दैट आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स. तो देखिए एफ डैश जेड क्या होगा, आर ई टू द पावर जेड, टू ई टू द पावर जेड. तो एफ डैश जेड क्या होगा, कुछ अलग थोड़ा ही होगा, टू ई टू द पावर जेड ही होगा. तो मॉड ऑफ एफ डैश जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड, यहाँ पर भी तो यही है ना, मॉड ऑफ एफ डैश जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड. सो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है. और ऐसा कितना फंक्शन आपको मिलेगा, आप आर की वैल्यूज एक के बाद एक पुट करते चलिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब ई टू द पावर जेड, टू ई टू द पावर जेड, यानी यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शंस विच विल सेटिस्फाई दिस, राइट. सो कैपिटल एफ इज इनफाइनाइट. तो ये जो कहा था इन लोगों ने कि कैपिटल एफ इज फाइनाइट है तो पहले ही गलत है. कैपिटल एफ इज इनफाइनाइट. नाउ बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड इसीलिए है बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड, बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड. दिस इज द हिंट्स कि इस टाइप्स की फंक्शन सबको लेना पड़ेगा. मैंने यहाँ अगर अल्फा की वैल्यूज वन पुट कर दी तो मुझे ये मिला. ओके अब बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड मॉड ऑफ अल्फा लेस देन वन, बीटा बिलोंग्स टू सी, यही था ना क्वेश्चन पे, नहीं मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू वन, मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू वन. ओके मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू वन. तो एक चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया, जब अल्फा की वैल्यू वन है तो दिस कंडीशन सेटिस्फाइज,
अब यहाँ पर इन्होंने कहा अल्फा बिलोंग्स टू सी, मतलब अल्फा कोई भी कॉम्प्लेक्स के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं, मॉड ऑफ एफ डैश जेड, सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड, एफ डैश जेड बीटा अल्फा ई टू द पावर अल्फा जेड। नाउ व्हाट डज दिस से, दिस से मॉड ऑफ एफ डैश जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ ई टू द पावर अल्फा जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ बीटा ई टू द पावर अल्फा जेड, दैट इम्प्लाई मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू वन, राइट? सो दिस ऑप्शन विल बी ट्रू, एंड इफ यू पुट अल्फा इक्वल्स टू थ्री देन यू कैन क्लियरली वॉच दैट दिस ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई, सो दिस विल बी रॉन्ग। आप लोग पुट करके देख सकते हैं और यहाँ से भी क्लियर आ रहा है मॉड ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल्स टू वन। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम कितना ईजी था, राइट? डिफिकल्ट था ही नहीं, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, ना कोई थ्योरम ना कोई रिजल्ट्स, बस आपको डिफरेंशिएबिलिटी आना चाहिए और ऑप्शंस पे मतलब काउंटर एग्जांपल क्या लेंगे आप फाइनाइट इनफाइनाइट चेक करने के लिए, वो दिमाग पे आना चाहिए, वो आ गया तो हो गया, सिंपल सा प्रॉब्लम था। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, December 2019 का मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था वो मोस्ट ऑफ द मैंने सॉल्व कर दिया है और एक दो जो हैं वो आपको खुद करना होगा। ओके, और एक प्रॉब्लम है 2019 दिसंबर का, वो भी मैं करा देती हूँ। ओके, वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट। पार्ट सी पे आया था 2019 दिसंबर। व्हाट डज दे से, दे से एफ such that C to C is an analytic function, मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ हाँ, analytic function for Z0 belongs to C which is true, okay, option 1, if can take Z0 at finitely many 1 by n such that n belongs to script n. F can take the value z0 at finitely many points. Okay. Second, f of 1 by n equals to z0 for all n belongs to script n, that imply f constant. Third, f of n equals to z0 for all n belongs to script n, that imply f is constant function z0. Okay, here per constant function z0, here per constant function z0. Option 4, f of r equals to z0 for all r belongs to q intersection closed interval 1 by 2, 1 comma 2, that imply f is constant function z0. Constant function z0 मतलब f एक constant function होगा जिसका हर point पे value z0 होगा। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी identity theorem को अच्छे से समझा है वो मुझे बताइए इस question का solution क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम अगर आप अच्छे से समझेंगे तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप सेकेंड्स पे विथ इन सेकेंड्स पे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं समझे तो आपके लिए करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, आइडेंटिटी थ्योरम का जो वीडियो है वो मैं फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लेना उस वीडियो को, उसको नहीं देखेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। ओके, देखिए एफ कैन टेक जेड जीरो एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, दे हैव सेड दैट एफ इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन एंड एनालिटिक। ओके, इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि नॉट कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ इज़ अ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक, एफ कॉन्स्टेंट है या नॉन कॉन्स्टेंट उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ से हाँ ले सकता है, एफ फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे जेड नॉट का वैल्यू ले सकता है। अगर ये कहते दैट एफ इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन तब हम बताते कि नहीं, अगर सपोज एफ इज़ कॉन्स्टेंट देन एफ इक्वल्स टू जेड जीरो फॉर ऑल for all f of z equals to z0 actually for all z belongs to C, if f agar f constant hota to f of z equals to z0 for all z belongs to C,
एफ कॉन्स्टेंट होता तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड जीरो, बट यहाँ पर तो इन्होंने कहा ही नहीं एफ कॉन्स्टेंट है या नहीं, सिर्फ कहा एफ एनालिटिक है। तो हाँ, अगर एफ कॉन्स्टेंट होता तो फॉर ऑल जेड के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एफ का वैल्यू जेड जीरो होता, देन एफ विल टेक द वैल्यू जेड जीरो एट इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। सपोज अगर यहाँ पर लिखा होता कांस्टेंट, वो तो है ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते फंक्शन कांस्टेंट होगा या नहीं। तो हाँ, ले सकता है, इन्होंने कहा कैन टेक, या तो नहीं कहा ना कि मस्ट टेक, मस्ट टेक नहीं कहा, कैन टेक, ले सकता है, हाँ, सो इट इज ट्रू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ वन बाई एन इक्वल्स टू जेड नॉट। देखिए, एफ ऑफ वन बाई एन इक्वल्स टू जेड नॉट, अगर ऐसा कुछ है तो हमें क्या देखना होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट है, मतलब 1 बाई एन, इसका लिमिट पॉइंट सेट पे एग्जिस्ट होता है या नहीं। व्हाट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट एज डैश्ड 1 बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट एन। ये जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो, राइट? और जीरो जो लिमिट पॉइंट है ना, दैट बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। सो यस, एफ ऑफ 1 बाई एन इक्वल्स टू जेड नॉट, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे है, सो दिस विल बी आइडेंटिकली विथ जीरो, जेड जीरो। सो यस, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी बाई आइडेंटिटी थ्योरम। नहीं पता है तो आइडेंटिटी थ्योरम देख कर आइए, ओके? मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाई है आइडेंटिटी थ्योरम के ऊपर। सो बाई आइडेंटिटी थ्योरम, एज द लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट इन द डोमेन, वी कैन से दैट यस, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। सो एफ ऑफ वन बाई एन इक्वल्स टू जेड नॉट, दैट इम्प्लाई एफ इज ए कॉन्स्टेंट एट जेड नॉट, करेक्ट? अब देखिए, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जेड नॉट, सो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू जेड नॉट। सो यहाँ पर कौन सी सेट पर का लिमिट पॉइंट है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। सेट इज एन बिलोंग्स टू एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट? मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, दैट पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो दिस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं है, तो हम नहीं कह सकते दैट दिस विल बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, सो दिस इज रॉन्ग। अब फोर्थ ऑप्शन पे देखिए, एफ ऑफ आर इक्वल्स टू जेड नॉट फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। सो हमें देखना होगा इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। अगर लिमिट पॉइंट डोमेन पे है सो दिस इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, नहीं है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं होगा, ओके? तो चलिए आप लोग बताइए कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस क्यू इंटरसेक्शन 1/2 जो सेट है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। क्यू देखिए, मतलब क्यू इंटरसेक्शन 1/2, मतलब जो रैशनल नंबर का जो सेट है उसके साथ क्लोज्ड इंटरवल का इंटरसेक्शन, ओके? सो क्या इसकी लिमिट पॉइंट जीरो पे होगा, बताइए। क्यू इंटरसेक्शन क्लोज्ड इंटरवल 1, 2, मतलब देखिए ऐसा, दिस इज अ लाइन क्लोज्ड इंटरवल की बीच पे जो रैशनल नंबर से सिर्फ उसका सेट, ओके? क्लोज्ड इंटरवल के बीच पे जो रैशनल नंबर से सिर्फ उनका सेट, तो क्लोज्ड इंटरवल के बीच पे जो रैशनल नंबर है उनका जो सेट है उसका लिमिट पॉइंट क्यू इंटरसेक्शन 1, 2। अब देखिए, इसके बीच पे जो इरेशनल नंबर्स होगा वो भी तो होगा ना लिमिट पॉइंट पे, सो क्यू इंटरसेक्शन 1/2 इक्वल्स टू 1, 2 द होल क्लोज्ड इंटरवल, ओके? एंड दिस इंटरवल बिलोंग्स टू सी, सो डोमेन का जो पॉइंट्स है दैट विल बिलोंग्स टू सी, ओके? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मतलब इन चारों पे हम कुछ इस टाइप के काम करते हैं, लेट, मतलब हम जो वर्क करते हैं ना प्रॉब्लम पे, कुछ इस टाइप्स का होता है, जी ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, ओके? देन एफ माइनस जी ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो व्हेन आर बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 1, 2, ओके? क्योंकि जी ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, हम एक, मतलब हमारा वर्क करने का प्रोसेस कुछ ऐसा ही होता है जो मैंने पहले वीडियोस पे भी कहा है। अगर कुछ इस टाइप्स की फंक्शंस है तो एक फंक्शन ले लीजिए जी ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड नॉट, और देखिए ये दोनों फंक्शन का वैल्यू सेम कौन सी पॉइंट पे हो रहा है, ऑब्वियसली आर पे होगा। सो आर बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 1, 2, सो लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ जीरोस ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट सी, क्योंकि इनका जो लिमिट पॉइंट है दिस, सो लिमिट पॉइंट ऑफ आर बिलोंग्स टू सी एंड दैट इम्प्लाई एफ माइनस जी, इसको आप एक फंक्शन की
रूप पे भी ट्रीट कर सकते हैं, राइट? यू कैन ट्रीट इट एज अ फंक्शन. एफ माइनस जी ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, राइट? यू कैन ट्रीट इट और यू कैन थिंक इट एज अ फंक्शन. डिफरेंस ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन इज अ फंक्शन, सो इज एन एनालिटिक फंक्शन. अगेन डिफरेंस ऑफ टू एनालिटिक फंक्शन, सो एफ माइनस जी ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जीरो सी. So what does that imply? That imply f equals to g of z equals to z naught equals to for all z belongs to c, right? So this is also true. इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आपको दिया हुआ है फंक्शन कॉन्स्टेंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए फंक्शन का जो डोमेन का सेट है, मतलब डोमेन का जो सेट है वहाँ पर देखिए सेट ऑफ जीरोस का जो लिमिट पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू द डोमेन और नॉट. इफ द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ जीरोस बिलोंग्स टू द डोमेन देन बाय आइडेंटिटी थ्योरम दैट फंक्शन विल बी आइडेंटिकल टू जीरो. एंड इफ सेट ऑफ जीरोस विल डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ जीरो देन वी कैन नॉट से दैट दैट फंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो. सो बाय दिस वी कैन से दैट दिस इज ट्रू. हेंस आंसर 1, 2 and 4 इज ट्रू. आइडेंटिटी थ्योरम अच्छे से देखिए. ओके 1, 2 and 4 इज ट्रू. ओके थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.